फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डोजिंग पंप जो होता है, डोजिंग यूनिट के अंदर, उसके बारे में। डोजिंग मोटर, ठीक है, डोजिंग पंप मोटर, यानी ये देखिए, ये मोटर होता है डोजिंग यूनिट के अंदर, और इसके वायरिंग के बारे में जानेंगे, इसके वर्किंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, ये जो है इसमें ये कैसे फिट होता है, और इसमें कितना स्क्रू होता है, कौन वायर होता है, कितना पॉजिटिव वायर होता है, कौन ग्राउंड वायर, सिग्नल वायर, या इसका दाम कितना है, ये सारा कुछ, मतलब डोजिंग पंप का वायरिंग से लेकर के हर कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, डोजिंग यूनिट में एक गोल कपलर होता है, ठीक है, वो सारा उसमें वायर जो भी है वो सब ECM से आया हुआ है। तो सबसे पहले हम उस कपलर को बनाते हैं, क्योंकि सारा वायर डोजिंग यूनिट में जो भी सेंसर लगा हुआ है वो सारा वायर उसी में से है। तो ये हो गया इसका पिन नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पे कोई वायर लगा हुआ नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इस जगह को खाली छोड़ दिया हूँ। इसमें लगभग 13 या 12 ऐसा कुछ वायर होता है। देखिए, इसके डोजिंग यूनिट को खोल करके इसके एक एक वायर को, या इसके एक एक जो सेंसर इसमें लगा हुआ है, सारा चीज़ मैं पहले से अपलोड कर दिया हूँ उस वीडियो को, उसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं, कौन चीज़ कैसा होता है, कैसे खुलता है, कैसे सेट किया जाता है, ये सारा कुछ उस वीडियो में पहले से दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इस डोजिंग यूनिट का जो मोटर है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक मोटर बना दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया मोटर, वही मोटर हो गया। उसमें देखिए, उसमें 3 वायर लगा होता है, और एक रेड, एक ब्लैक और एक वाइट कलर का वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हो गया रेड कलर का वायर, और ये हो गया वाइट कलर का वायर, और ये हो गया ब्लैक कलर का वायर, ठीक है, ये 3 वायर हो गया डोजिंग पंप का जो मोटर होता है वो। देखिए, ये हो गया इसका कनेक्टर, यानी ये मोटर से निकल रहा है जो वायर, उसका कलर कोड है। अब इधर से जो वायरिंग से आ रहा है उसका मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, उसका वायरिंग कलर कोड, और किस पिन से आ रहा है वो भी सारा कुछ अभी दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो रेड कलर का वायर है, और ये जो वाइट है, और ये ब्लैक है, ये है देखिए, इसमें आता है 24 वोल्ट, ठीक है, करेंट आता है सप्लाई 24 वोल्ट। ये जो वायर है वाइट कलर का वायर, ये है सिग्नल वायर। सिग्नल में भी 2 किस्म का सिग्नल होता है, एक होता है इनपुट सिग्नल, एक होता है आउटपुट सिग्नल। तो ये जो वाइट कलर का वायर है, ये है आउटपुट सिग्नल, ठीक है, आउटपुट सिग्नल है। और ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ये काम करता है ग्राउंड में, ठीक है, ये ग्राउंड में काम करता है, ब्लैक कलर का वायर होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 वायर लगा देता हूँ, और ये 3 वायर आएगा यहाँ गोल जो कपलर है वहाँ से, और फिर यहाँ जो वायर आ रहा है गोल कपलर में ECM से डायरेक्ट, वो कहाँ से कैसे आया है वो भी अभी हम देख लेंगे। तो देखिए, जो रेड कलर का वायर है, इसमें आता है 24 वोल्ट, और ये है पिन नंबर ई से, ठीक है, ये पिन नंबर ई से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ई, ठीक है, पिन नंबर ई से आ रहा है 24 वोल्ट करेंट। और उसके बाद से जो वाइट कलर का वायर है, वो वायर होता है ग्रीन पे रेड, ठीक है, देखिए ये ई जो है ना, यहाँ पे ऑरेंज पे रेड कलर का वायर है, यानी ये जो ई से डायरेक्ट आर तक का जो करंट जा रहा है वो है ऑरेंज पे रेड कलर का वायर, ठीक है, यानी जो वायरिंग से मोटर तक गया है वो है ऑरेंज पे रेड, और फिर जो मोटर से एक कपलर निकला हुआ है वायरिंग में लगने के लिए वो है रेड कलर का वायर, और ये है ऑरेंज पे रेड, ठीक है, पिन नंबर ई। उसके बाद से जो वाइट कलर का वायर है, ये आउटपुट सिग्नल है, और ये आता है पिन नंबर डी से, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पिन नंबर डी है, यहाँ पे लिख देता हूँ पिन नंबर डी, ठीक है, और इसका वायर का कलर होगा ग्रीन पे रेड कलर का वायर, ग्रीन पे रेड कलर का वायर, ठीक है, ये इसका वायरिंग कलर कोड हो गया ग्रीन पे रेड। उसके बाद से आता है एक ब्लैक कलर का वायर, देखिए ये हो गया ब्लैक कलर का वायर, मोटर से निकल रहा है, और फिर इधर से जो आ रहा है वो होगा ब्राउन कलर का वायर, ठीक है, ब्राउन कलर का वायर होगा, और पिन नंबर जो यू है ना, यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यू, ठीक है, और यहाँ पे ब्राउन कलर का, देखिए ब्राउन कलर का वायर, टाटा मोटर्स किसी गाड़ी में भी जाइए, टाटा मोटर का,
उसमें हेडलाइट कनेक्शन हो, वो पार्किंग का हो, इंडिकेटर लाइट का हो, या कोई भी चीज का कनेक्शन हो, अगर ब्राउन कलर का वायर दिख रहा है तो वो कंफर्म हो जाइए कि वो ग्राउंड का वायर है, यानी अर्थ में वो काम करेगा। ठीक है, तो ये एक क्लियर हो गया, ब्राउन कलर का वायर हो गया, यू से आ रहा है, डी से आ रहा है, ई से आ रहा है, तीन वायर हो गया। अब यहाँ जो गोल कपलर आप जो देख रहे हैं, ये जो गोल कपलर है, यहाँ पे कहाँ से करंट आता है, तो देखिए ईसीएम से ये जितना भी आ रहा है ना वायर, ये सारा वायर ईसीएम से आ रहा है, और ईसीएम में दो कपलर लगा हुआ है, एक छोटा कपलर मिलेगा और एक बड़ा कपलर मिलेगा। तो जो छोटा कपलर है उसको कहा जाता है J1 कनेक्टर, और जो बड़ा कनेक्टर है वो होता है J2 कनेक्टर। ठीक है, ये दो कनेक्टर हो गया। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे पिन नंबर ई, अब जो पिन नंबर ई है वो उसमें आ रहा है क्या, 24 वोल्ट करेंट आ रहा है। तो ये जो ई पिन नंबर है यहाँ पे, देखिए ये जो ई नंबर पिन है, यहाँ पे कहाँ से वायर आ रहा है, J2 कनेक्टर से आ रहा है। J2 कनेक्टर का जो पिन नंबर 30 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ई पिन नंबर, ई इक्वल टू J2 पिन नंबर 30। ठीक है, पिन नंबर 30, J2 कनेक्टर का पिन नंबर 30 से आ रहा है पिन नंबर ई में, किसके लिए, मोटर के लिए। ठीक है, तो उसके बाद से आइए देखते हैं, ये ई के बाद आता है डी, तो यहाँ पे पिन नंबर डी, पिन नंबर जो डी है वो आता है पिन नंबर ये J2 कनेक्टर का पिन नंबर 76। ठीक है, 76, और ये होता है आउटपुट सिग्नल वायर मोटर के लिए। उसके बाद से पिन नंबर ये यू, ठीक है, पिन नंबर जो यू है वो आता है 246। ठीक है, देखिएगा ईसीएम का जो J2 कनेक्टर है उसमें 6 वायर लगा हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। जैसे देखिए पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6। ठीक है, ऐसा उसमें लगा हुआ होता है पिन, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके ताकि समझ में आएगा। उसके बाद से देखिए क्या होता है, ये जो ये समझिए ये एक ग्राउंड का वायर है और ये एक पॉजिटिव वायर है, तो इसी ग्राउंड के वायर से टच करके दिया गया है पिन नंबर 2, पिन नंबर 4 और पिन नंबर 6 में। ये होता है ईसीएम का इनपुट करंट, यानी ईसीएम यहाँ से ग्राउंड ले रहा है और पॉजिटिव ले रहा है। उसी तरह जो पॉजिटिव होता है वो आता है यहाँ पिन नंबर 1, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5। ये तीनों वायर हो गया पॉजिटिव का और ये तीनों वायर हो गया निगेटिव का। तो निगेटिव होता है वो डायरेक्ट होता है, इसके लिए कोई जो फ्यूज होता है उसको नहीं लगाया जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव है इसके लिए एक 30 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, मिनी फ्यूज लगा हुआ है 30 एम्पियर का बैटरी बॉक्स के पास। अगर ये फ्यूज कट जाता है तो ईसीएम में ही करंट नहीं जाएगा, ठीक है, फिर वो कहीं करंट नहीं देगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हो गया डोजिंग पंप मोटर, ठीक है, उसका एक एक वायर, कौन सिग्नल वायर है, कौन पॉजिटिव वायर है, उसका वायरिंग कलर कोड। अब देखिए अब जो ये मोटर है ये कितने का आता है, मैंने 2 महीना पहले इसको चेंज किया तो उस समय इसका दाम था 14,720 रुपया। ठीक है, मैंने कमिंस का यहाँ पे एक केयर है छोटा सा, वहाँ से मैंने लिया था, 14,720 रुपया का पड़ा, और मोटर हमने लगाया वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, मोटर ख़राब हो गया था, जल गया था, तो ये हो गया मोटर का वायरिंग और इसका एक एक वायर। ठीक है, तो इसी तरह जो डोजिंग यूनिट है उसके एक एक चीज़ पे मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं सबका वायरिंग, सबका मैंने डोजिंग यूनिट को खोल करके उसका एक एक चीज़ निकाल करके एक एक पार्ट को मैंने बताया हूँ, उसका वीडियो है मेरे चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।